हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त आर्य स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 123। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो ओप्पो A2, जी हाँ ओप्पो A2 जो 13 अप्रैल को आ रहा है उसका गीकबेंच स्कोर सामने है। सिंगल कोर 4302 और मल्टी कोर 12826। ये गीकबेंच 4 है 5 नहीं। इसमें होगा स्नैपड्रैगन 865 का वायर चार्जर और 40 का वायरलेस चार्जर, 4000 की बैटरी। तो भाई एमोलेड पैनल के साथ ये फ़ोन आएगा। फ़ोन बढ़िया है, देखते हैं किस प्राइस पे आता है। कह रहे हैं ये थोड़ा महंगा होगा, नियर अबाउट 3500 से 4000 के बीच। तो देखते हैं क्या करता है कमाल ओप्पो इस बार। सेकंड न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग गलेक्सी A71 और A51 5G वेरिएंट सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिए हैं। इसमें होगा साइनोस, जो सैमसंग का ही अपना चिपसेट है वही यूज़ करेंगे। प्राइस नहीं सामने आई, कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ तक ये आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया में आने का कुछ तुक बनता नहीं, क्योंकि भी इंडिया में भी 5G है ही नहीं, तो जो 4G वेरिएंट है वही यूज़ करके चला सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है रेडमी की तरफ से, रेडमी AirDots 2। AirDots काफ़ी बढ़िया थे, सिर्फ 100 युआन में एक तरह से AirDots लॉन्च किए थे रेडमी ने। इंडिया में नहीं आए, मगर काफ़ी लोगों ने इसे बैंगलोर से मंगवाया था जो 1100-1200 रुपये के पड़ते थे। अब इसका सेकेंड वेरियंट आ रहा है AirDots 2 और ये ब्लूटूथ सर्टिफाइड हुआ है, तो शायद ये इंडिया में इस बार लाएँ, क्योंकि भाई पोको का भी आ रहा है, मे बी शायद यही Poco TWS बन के इंडिया में लॉन्च हो। तो देखते हैं क्या कमाल होता है आगे, जो भी होगा हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है वन प्लस फोन्स, जो वन प्लस 8 सीरीज आ रही है 14 अप्रैल को, उसका एक प्राइस लीक आया है यूरोप के हिसाब से। जो भी इसका बेसिक वेरियंट है 8GB 128, उसकी कॉस्ट कह रहे हैं 719 यूरोस, तो ये बहुत बनता है 60,000 के पास। मैंने 50 सोचा था, ये 60,000 है। जो वन प्लस 8 प्रो है उसका 128 GB स्टोरेज कह रहे हैं होगा 919 यूरो, जो नियर अबाउट 76,000 के पास पड़ता है, 75-76,000 के पास पड़ता है। और जो इसका हपर वेरिएंट होगा 12GB + 256GB वो बन रहा है 1009 यूरो, जो बनता है 85,000 के पास। तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है वन प्लस 8। मेरे हिसाब से यूरोप से थोड़ा सस्ता ही होता है इंडिया में। अगर हम सस्ता भी करें तो 60,000 को सस्ता करके भी 10,000 भी कम कर दें तो 50,000। तो क्या आपको लगता है वन प्लस 8 50,000 वर्थ होगा? एक पोल रखता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइए आपका क्या ओपिनियन है, वन प्लस 8 50,000 पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उससे बेटर हम आईफोन सैमसंग हुआवे के फ़ोन क्यों ना लें। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो LG, जी हाँ LG ने आज ऑफिशियली अनाउंस किया अपनी न्यू सीरीज G सीरीज। इसके पिक्चर सामने, ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं फ़ोन, लुक्स काफ़ी बढ़िया लग रही है, कैमरा साइड मुझे बहुत बढ़िया लगा। और एक कह रहे हैं जल्द ही न्यू ये फ़ोन सीरीज लॉन्च होगी। वैसे LG इंडिया में कमाल तो कुछ करता नहीं है, मगर चलो कुछ तो नया आया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Google Pixel 4a का रिटेल बॉक्स सामने आ गया। नेक्स्ट मंथ कह रहे हैं इस फ़ोन की सेल होगी, मतलब मई में, मगर भाई बॉक्स तो पहले ही बन के आ गया। मे बी फेक भी हो सकता है, मे बी रियल भी। Google Pixel के फ़ोन्स काफ़ी बढ़िया होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मगर क्वालिटी वाइज वर्थ वाइज रियली वर्थ फ़ोन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Samsung, जी हाँ Samsung कर रहा है काम Google के साथ। Samsung चिपसेट्स Exynos लोगों को पसंद नहीं है, और काफ़ी लोग करते हैं कि भाई इसमें हीटिंग इशू बहुत है, लैग इशू बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है। तो Samsung ने शुरू किया है कि वो थोड़ा इसका CPU चेंज करके ARM CPU कोर करेंगे, और जो इसका ARM Mali GPU है उसको चेंज करके AMD Radeon GPU में लाएंगे, जिससे इसका स्ट्रक्चर स्नैपड्रैगन के चिपसेट की तरह हो। साथ में ये गूगल के साथ काम कर रहा है साइनोस चिपसेट बनाने में, शायद फ्यूचर में गूगल के जो फ़ोन्स होते हैं वो सैमसंग के चिपसेट यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई इंडिया में मोस्टली Exynos के ही चिपसेट लाते हैं जब सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं। तो भाई अगर ये कुछ बढ़िया काम करेंगे तो हमें राहत मिलेगी, बढ़िया फ़ोन मिल सकता है सैमसंग का। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है MediaTek, जी हाँ MediaTek पे लगाया है एलिगेशन कि भाई ये थोड़ी चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं अपने बेंचमार्क स्कोर हाई दिखाने में। हुआ क्या, किसी बंदे ने ओप्पो रेनो 3 प्रो जो भी इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ था, Helio P95 का कंपैरिजन किया बेंचमार्क में ओप्पो रेनो 3 जो चाइना में लॉन्च हुआ था, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई थी, MediaTek 1000L वाले प्रोसेसर। दोनों ही MediaTek के प्रोसेसर हैं, मगर MediaTek 1000L ज़्यादा बढ़िया है Helio P95 से, मगर जब इन्होंने टेस्ट किया तो P95 बेटर दिखा।
और तो बंदे ने थोड़ा ज़्यादा सर्च की तो पता चला इसमें एक फाइल है whitelist_cfg.xml, जिससे इस हीलियो P95 की परफॉर्मेंस ओवर ज़्यादा अच्छी आ रही थी और जो रन ज़्यादा बढ़िया कर रहा था बेंचमार्क स्कोर जिससे वो अच्छा आया। तो इन पे एलिगेशन लगाया कि मीडिया टेक भाई यूज़ करते हैं अपने कोई बूस्टर जिससे इनके बेंचमार्क स्कोर ज़्यादा बढ़िया आते हैं, एक्चुअली जो होते नहीं, तो ही शायद इतना हीटिंग इशू आते हैं। मगर अभी तक मीडिया टेक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया इस एलिगेशन के बारे में, तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है रियलमी। जी हाँ, रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन लिस्टेड हुआ है जो लग रहा है जल्दी आ सकता है इंडिया में भी। साथ में जो रियलमी का CMO है चाइना का, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ हम आ रहे हैं फिर से। तो भाई ये जो लिस्टेड हुआ है इसके हिसाब से लग रहा है इसमें होगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर, जो बढ़िया लग रहा है मुझे क्योंकि इंडिया में हमें 5G भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिया में आता है तो कुछ तहलका मचाएगा। कुछ देर पहले, मतलब नियर अबाउट एक मंथ पहले, मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था और मैंने मनु कुमार जैन और ये रियलमी के CMO को टैग किया था कि भाई आप क्यों नहीं स्नैपड्रैगन 855 प्लस के प्रोसेसर ला रहे। तो मे बी शायद रियलमी ने मेरी कहीं ना कहीं से बात सुनी और ये बनाया। जस्ट किडिंग, मेरी बात नहीं सुनी, ये उनका अपना ही प्लान होगा। मगर कह रहे हैं जूम एडिशन हो सकता है 108 मेगापिक्सल वाला फ़ोन, या ये हो सकता है कोई मिड रेंज या कोई फ्लैगशिप फ़ोन जो इंडिया मार्केट के लिए स्पेशली बनेगा। चाइना मार्केट के लिए इसमें मॉडम डाल देंगे 5G वाला X50 जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस को 5G बना देता है। तो देखते हैं इंडिया में कब तक आता है। अगर चाइना में मई में लॉन्च होगा तो इंडिया में शायद ये जून तक आएगा। तो वैसे भी इंडिया में लॉकडाउन की भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट है, तो भाई देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रियलमी X3 के लिए, आप हो या नहीं ज़रूर बताइए। तो आज मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाली थी हमारे पबजी टेस्ट, जो पबजी का न्यू मोड है चाइनीज वेरिएंट का Redmi K30 Pro के साथ। अगर आपने नहीं देखी आई में डाल दी है, देख लीजिए। और आप देख सकते हैं फ़ोन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है, पूरी आवाज़ आ रही है। तो भाई जो लोग पबजी खेलना चाहते हैं और रिकॉर्ड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।